गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम फाइन 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 मैम, हाउ अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन। थैंक यू मैम। आप लोगों ने पिछले चंदा गिनती भूल गया कविता को आपने पढ़ा था ना? यस मैम। नील गगन पर चमके तारे है ना, क्या पढ़ा था आपने? नील गगन पर चमके तारे, सबको याद हो गया है? यस मैम, आपको याद हो गए? तारे सुंदर सुंदर प्यारे अरे दिखते ढेर सारे सारे करती उनका सारा सुंदर सबसे कंचन कंचन। एक एक लो, एक एक लो, बाकी लोग माइक बंद रखो। चलिए बेटा आप सुनाइए, अभी तो कोई बोलेगा नहीं, देख के नहीं सुनाना। यस मैम। मैं नील गगन पे चमके तारे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे आसमान कभी दिखते नील गगन पे चमके तारे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कभी दिखते ढेर सारे कभी करते खूब सारे आंगन में हम खाद बिछाए देखिए उनको ढूंढना है। बेटा बेटा चंदा के संग चलते रहते, बोलिए। सर्दी गर्म सहते रहते आसमान में आता इनको आता उनको आना जाना भाता झपकते झट आंगन में आज झपकते झट खा बिछाए देखा कर। मैम आपने तो कहा था कि बेटा बताइए क्या कहा था बेटा? ने कहा था कि ओ कार्ड का मैम चांद और तारा बनाना है। हाँ बेटा कहे थे सभी लोग बनाए हो मैम, हमने बनाया है। दिखाओ दिखाओ वहां से, जो लोग बनाए हैं सामने स्क्रीन पे मैं दिखाएंगे। अच्छा चलिए तब तक कंचन आप सुनाएंगी, तब तक परी दिखा रही तब तक कंचन सुनाएंगी पोयम। मैम नील गगन पे चमके तारे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मैम मैम कभी दिखते ढेरों सारे लगते करते लगते करते खूब इशारे चंदा के संग चलते रहते सर्दी गर्मी सहते रहते भाता इनको आना जाना और झपटते जब छिप जाना आंगन में हम खाट बिछाए देखा करते दूध नहाए कठिन बड़ा है इनको गिनना इनसे ना हो सकता। देखिए आप लोग देख के नहीं सुनाओगे और कि हाँ देखिए चंदा है ये आपका परी हाँ और तारा बेटा इसको ऐसे नहीं आप इसको धागे में सुई धागे में पिरो के लटका दीजिए इसे अलग 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 मैम क्या उसी तारे को अलग अलग धागे में पिरो के से लटका के फिर एक में कर दीजिए। चंदा को अलग धागे में पिरो लीजिए, तार जितने तारे हैं सबको अलग अलग धागे में सफेद रंग के धागे में से पिरो कर फिर आपकी आवाज कट कट के आती है। हाँ बेटा आपकी आवाज मेरी आवाज नहीं कट रही है, अभ्यास से सुनी नहीं मैं आपकी आवाज कट के आ रही है।
के आ रही है। चलिए बेटा समझ में आया, जो आपको बनाना है चांद और तारे, वो आपके यहाँ जो जो कार्ड आपके यहाँ आती है शादी वाला कार्ड, तो रंग बिरंगा होता है, उसी को कट करके बनाना है, है ना? हाँ, तो तारे और छोटे छोटे चंद्रमा जो है बड़ा सा होगा, गोल सा, सबको धागे में बनाओगे, धागे में पिरोजना बनाने के बाद, और एक जगह ऐसे हमको दिखा के बस कहीं अपने खिड़की के पास या कहीं ऊपर कोई होगा उस पर लटका देना, और झिलमिलाता हुआ तारा अच्छा दिखेगा। सब लोग बनाओगे लेकिन, ठीक है, सब लोग बना के दिखाओगे। चलिए ब्रह्मा आप सुनाइए। रमा सुनाओ, कविता सुनाओ। रमा नहीं आ रहे, बोलो कुछ। खुशी आपको याद है बेटा? खुशी सुनाई बेटा, लेकिन नील गगन पे चमके तारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, कभी दिखते ढेरों सारे। नीचे देख के सुनाई, नीचे ऐसे आप ऊपर देखोगे तो आवाज कटेगी आपकी, मोबाइल के करीब ऐसे नीचे जहाँ देख रहे, मोबाइल को सामने देख के सुनाओ। नील गगन पे चमके तारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, कभी दिखते ढेरों सारे। लगते करते खूब सारे भातन को आना, चंदा के संग चलते रहते, सर्दी गर्मी सहते रहते, भाता इनको आना जाना, आग झपकते, आग में हम खाद बिछाए, देखा करते, दूध नहाए, बड़ा आए इनको बिना, इनसे ना तो मिलना। हाँ, कोई आपको हिंट दे रहा था, उसकी आवाज आ रही थी, चीटिंग करके सुना दी। सिद्धेश चलिए आप सुनाइए बेटा। नील गगन में चमके तारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, कभी दिखते ढेरों सारे, लगते करते खूब सारे, चंदा के संग चलते रहते, सर्दी गर्मी सहते रहते, भाता इनको आना जाना, भाता इनको आना जाना, आग झपकते इधर छुप जाते, आंगन में हम खाद बिछाए, देखा करते, दूध ना आए, कभी बनाओ इनको बिना, ना हो सकता उनसे मिलना। बहुत अच्छा बेटा, चलिए परी आप सुनाएंगी। परी नील गगन पर चमके तारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, कभी दिखते ढेरों सारे, लगते करते खूब सारे, चंदा के संग चलते रहते, सर्दी गर्मी साते रहते, भाता इनको आना जाना, आग झपटके झट छुप जाना, आंगन में हम खाट बिछाएं, आंगन में हम खाट बिछाएं, देखा करते दूध नहाए, कठिन पड़ा है इनको इनसे मिलना, इनसे ना हो सकता मिलना। चलिए वेदांत आप सुनाएंगे, सामने स्क्रीन पे देख के सुनाना है। मैम ने गगन पर चमके तारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, कभी दिखते ढेर सारे, मगते
करते खूब इशारे, चंदा के संग चौथे मारते, सादी गमी सहते मारते, भाता इनको आना जाना, आग झपट के झट छिप जाना, आंगन में हम खाट बिछाए, देखा कहते दूध में आए, कठिन बना है इनको गिनना, इनसे ना हो सकता मना। बहुत अच्छा बेटा, चलिए आप सुनाएंगे हर्षित। यस मैम। मैम मैं नील गगन पर चमके तारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, कभी दिखते ढेरों सारे, लगते कट्टे खूब इशारे, चंदा के संग चलते रहते, सर्दी गर्मी सहते रहते, बाटा इनको आना जाना, आग झपटते छिप जाना, आंगन में हम खाद छाए, देखा करते दूर नहाए, कठिन बड़ा इनको गिनना, उनसे कौन बता रहा है? हाँ, चिटिंग करवा रहा है। चलिए आप सुनाइए अभी अभिनव, अभिनव हर्षित के साथ अभिनव बैठे हुए हैं, पहले सुनाइए, चिटिंग करवा रहे थे। नील गगन पर चमके तारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, कभी दिखते ढेरों सारे, लगते करते खूब इशारे, चंदा के संग चलते रहते, भाता इनको आना जाना, सदी रहते रहते, भाता इनको आना जाना, आग झपटते जल छिप जाना, आंगन में हम खाट बिछाए, देखा करते दूध नहाए, कठिन बड़ा इनको गिनना, इनसे ना हो सकता है। चलिए अब सुनाएंगे आर्यन। यस मैम। नहीं बेटा, आर्यन नहीं याद है। अमन पासवान आप सुनाइए बेटा। अमन पासवान। यस मैम। नील गगन पे चमके तारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, कभी दिखते ढेरों सारे, चंदा के संग चलते रहते, सर्दी गर्मी सहते रहते, भाता इनको आना जाना, आग झपटते छिप जाना, आंगन में खाद बिछाए, देखा करते दूध ना आए, कठिन बढ़ाए इनको, इनसे ना हो सकता कठिन बढ़ाए। अभिनव आप कर क्या रहे हो? अभिनव कर क्या रहे हो आप लोग? हाँ ऐसे बैठा जाता है, पैसे लेते हुए क्या था, दौड़ने लगी थी, पैर सही करो, सीटों के बैठे बढ़िया से। हाँ चलिए अब सुनाएंगे आर्यन, आपको नहीं सुनाना है आर्यन। आर्यन अमन दो लोग बचे हुए हैं, आर्यन अमन में से सुनाइए कोई। मैम नील गगन पर चमके तारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, कभी दिखते ढेरों सारे, लगते करते खूब इशारे, चंदा के संग चलते रहते, सर्दी गर्मी सहते रहते, भाता इनको आना जाना, आग झपकते छुप जाना, आंगन में हम खाट बिछाए, देखा करते दूर ना आए, कठिन बड़ा है इनको, इनसे ना हो सकता मिलना। चलिए अब शिवम सुनाएंगे, शिवम। मैम नील गगन में जितने तारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, नहीं याद है बेटा, नहीं याद है शिवम आपको?
हम सुनाए? अभी जो सुनाए हो ना मैम, तो सुनाइए। देखिए मैं नील गगन पे चमके तारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, कभी दिखते ढेर सारे, कभी दिखते ढेर सारे, कर देख के करते खूब सारे, चंदा कृष्ण चलते रहते, सर्दी गर्मी सहते रहते, आंगन पे खाट बिछाए, झपकते जल छिंताना, आंगन में खाट बिछाए, देखा करते दूध नहाए, कठिन पड़ा है इनको गिनना, इनसे ना हो सकता नहीं। बहुत अच्छा। मैं हम सुनाई नहीं, आप सुनाई होगा रमा, आप सुनाई नहीं हो, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? रमा बोल क्यों नहीं रही हो, अभी नहीं याद हुआ आपको? हमसे सुन रही, आप सुनाई है बेटा, बार बार सुनेंगे कि और आगे बढ़ेंगे? हाँ प्रश्न पे भी तो करना है चर्चा कुछ। अच्छा चलिए बेटा, बुक शेयर कर रहे हैं। देखिए आपको कविता याद होगी आप सभी को। हाँ चलिए, ये प्रश्न हो चुका था ना? हाँ बेटा, उधर इस पे चर्चा हुई थी ना? नो मैम, नहीं हुई थी मैम, हो गई थी। तब फिर क्यों, कौन बोल रहा है नो? हाँ चलिए, कलम की सवारी पे प्रश्न देखते हैं। इसको हमने आप लोगों को बताया था ना? यस मैम, कल बताई थी। नहीं, इसको एक क्वेश्चन नंबर 4 तक बातों बातों वाला हो गया था। मैम इसको कॉपी में लिखना है, इसका क्वेश्चन आंसर? नहीं, अब आपको आपको कॉपी पे लिखना है। कलम की सवारी वाला पहले कर लीजिए, यहाँ पे जो बुक में करना है। देख रहे हो सभी लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नील यहाँ क्या होगा? चमके तारे, सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे। मैम नील गगन, प्यारे प्यारे। इसके आगे फिर कभी मैम, कभी दिखते सारे। और फिर मैम मैम बिछाए, लगते करते खूब सारे। नहीं बेटा, देखिए यहाँ पर खा में क्या होगा? मैम कठिन बड़ा है, ध्यान दीजिए। आंगन में हम खाट बिछाए, देखा करते दूध नहाए, दूध नहाए, बड़ा है इनको गिनना, से ना हो सकता ना हो सकता, चलिए सकता इनसे ना हो सकता मिलना। चलिए और देखिए, उन्नति सो रही थी क्या अभी तक? आप बताइए, आप लोग खत्म हो गया तब आप ज्वाइन कर रही हो, टाइम ज्वाइन करना चाहिए ना?
कविता में ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कविता में कवि ने तारों के बारे में बहुत सी बातें बताई है। इन चार बातों को अपने शब्दों में लिखें। आपको इसको नोटबुक पे राइट करके होमवर्क में भेजना होगा दोनों क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान से सुन लीजिए। इसमें कवि ने जो तारों से बातें बताई है, तारों के बारे में, आपको चार बातों को लिखना है। तारों से संबंधित चार बातें। आर्यन, आपको पढ़ना नहीं, क्यों आप इधर कर रहे हो? बताइए तारों से संबंधित चार बातें क्या हो सकती है? उन्नति माइक बंद रखो। माइक बंद करो, पटर कर रही हो अभी। बेटा आप बताइए, कविता में कवि ने तारों के बारे में चार बातें बताई है। आप और बातें, हाँ, मैं तारों को, मैं उस पे जा नहीं सकती, तारे पर, मैं तारा हमको धरती से बहुत छोटा दिखता है, मैं तारा पर तारे बहुत गर्म होते हैं, तारे कहीं नहीं जाते, एक जगह पर रहते हैं। अच्छा उन्नति आप बताइए तारों से बारे में बातें। मैं हम तारों पे जा नहीं सकते, तारे बहुत गर्म होते हैं, सौतेली पहने आठ आठ, सौतेली बहन पार्ट आठ। माइक ऑन, माइक क्यों ऑन कर दी थी? तारों संबंधित चार बातें बताइए कंचन। आप नति आपको बोलना नहीं है, क्यों बैठ गई हो आके? कुछ जवाब भी दोगी? तारों संबंधित चार बातें पूछी गई, बताइए क्या क्या होगा? मैम हम लोग तारे के पास जाएंगे। मैम तारों के पास जा नहीं सकते मैम, वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। मैम तारे बहुत गर्म होते हैं। पूछ के खुशी क्या हो रहा है? आप बताइए तारों संबंधित चार बातें खुशी। मैम हम लोग तारों के पास जाएंगे तो मैम हम लोग जल जाएंगे। एक बात हुई, और तीन बात बताओ। मैम आप बताइए मैम, तारे मैम रात में चिमचिमाते हैं मैम, हम उनको देख नहीं सकते मैम, तारे बहुत बड़े होते हैं मैम, तारे हम लोगों को बहुत छोटे दिखाई देते हैं मैम, तारे अनगिनत होते हैं।
उससे क्या बातें कर रहे हो आप बैठ के? ब्रह्मा बताओ तारों का नाम दिल्ली नहीं देख सकते, तारों के बारे में बातें, चार बातें ब्रह्मा। मैम जब मैम वो छोटे रहते हैं पर वो बड़े, मैम अगर मैम वो चमकते हैं, मैम वो बहुत बड़े होते हैं पर हम लोग को छोटे दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा, परी आप बताइए। मैम वो हम लोग को छोटे दिखाई देते हैं मैम, अगर जो हम उसके पास जाएंगे मैम हम लोग जल जाएंगे मैम, वो गर्म रहता है। और फिर क्या होगा, एक और बताना। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको अभी आपको लिख के भेजना होगा, सबको लिख के भेजना है होमवर्क में। सब लोग क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन राइट कर लीजिए, यहाँ सामने है स्क्रीन पे, बहाना नहीं बनाना है किसी को, सबको करके भेजना है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर तारे आपके घर मेहमान बनकर आ जाए तो आप उनका स्वागत कैसे करेंगे? तो बताइए आप लोग, तारे मेहमान बन के आ जाएंगे तो कैसे स्वागत करोगे? उनको चाय पिलाएंगे, उनके साथ खेलेंगे और मैम उनके साथ घूमते जाएंगे। खुशहाल आप बताइए क्या करोगे? खुशहाल विदान आप बताइए, तारे अगर तारे आपके घर मेहमान बन के आ जाए तो आप उनका स्वागत कैसे करोगे? नहीं बताओगे विदान? उन्नति आप बताइए, तारे आपके घर मेहमान बन के आ जाए तो आप उनका स्वागत कैसे करेंगी? मैम हम उनके लिए मिठाइयाँ बनाएंगे, मैम केक खिलाएंगे, मैम हम उनको घुमाने लेकर जाएंगे, मैम उनके साथ खेलेंगे। बहुत अच्छा बेटा। शिवम बेटा आप भी कुछ बोलो, आप क्या करोगे? मैम उनके लिए मिठाइयाँ बनाएंगे, मैम उनके साथ खेलेंगे, मैम उनके साथ घूम जाएंगे।
परी आप बताओ। मैम हम लोग वो आएंगे मैम, हम लोग उन्हें मिठाई खिलाएंगे, चाय देंगे। मैम और मैम हम उसकी आरती उतारेंगे। बहुत स्वागत है वो गीता का। बताइए मैम, उनको मैम पानी पिलाएंगे, मैम नमकीन खिलाएंगे, मैम मिठाई खिलाएंगे, मैम उनके साथ घूमने जाएंगे, मैम उनके साथ खेलेंगे, मैम उनके साथ बातें करेंगे। अच्छा आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है करके भेजना है अभी, जैसा हिंड होगा दोनों क्वेश्चन ऐड कर लिए ना सभी लोग। यस मैम। हाँ जिसके पास बुक नहीं है क्वेश्चन को ऐड किए हो लोग। रमा लिखी? यस मैम। चलो हाँ चलिए बेटा, अमन गुप्ता वीडियो ऑन रखिए। खुशी आप बताइए लिख चुकी है दोनों? मैम हम लोग मैम उसके साथ बातें करेंगे दोनों क्वेश्चन मैम, और मैम हम लोग उसके लिए हाँ। अभी आप लोग सेशन एंड होगा तो दोनों क्वेश्चन को करके भेजोगे होमवर्क में। यस मैम। थोड़ा क्वेश्चन और इस पे ध्यान देते हैं बातें भाषा की। अच्छा आप लोग पढ़े हैं ना, आप लोगों को अब आप चलाने दे रहे हैं, अगले सत्र पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें समय लगेगा। ठीक है इसमें अभी समय लगेगा, बातें भाषा की अगले सेशन में होगा। आज के लिए आप लोगों को दो क्वेश्चन जल्दी से आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, जिसके पास बुक नहीं है अभी आपको करके भेजना है। हर्षित सुनाई दे रहा है बेटा? यस मैम। लिखे कि नहीं लिखे इसको मैम, क्वेश्चन को राइट किए? हाँ मैम। अगर होमवर्क नहीं आया तो बताएंगे तुम लोगों को हम। सबको करके भेजना मैम। कविता अधूरी पंक्तियों को पूरा करे मैम, वो भी होमवर्क है? नहीं वो तो आपका हो गया है। ये दोनों क्वेश्चन टू और थ्री, क्वेश्चन नंबर टू और थ्री, कविता में कवि ने तारों से सब बारे में बहुत सी बातें बताई है, चार बातों को लिखकर भेजना है। और दूसरा है, तीसरा है, अगर तारे आपके घर मेहमान बन के आ जाए तो आप उनका स्वागत कैसे करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन केवल करना है आपको होमवर्क में। आई समझ में उन्नति? आप होमवर्क करके नहीं भेजती हो? मैम भेजे। आज हमें सबका होमवर्क अभी मिलना चाहिए, इसी समय आप लोग जैसे क्लास खत्म होगा वैसे ही आप लोग होमवर्क करके भेज के तब दूसरा काम करना। यस इसलिए स्क्रीन पे हटा नहीं रहे हैं। जिसको पास बुक नहीं है जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो। अभी नोट किए?
जी आपके पास बुक है? मैं नोट किए थे। हाँ? मैं मेरे पास बुक है। अच्छा। आर्य मैं मेरे पास भी है। अच्छा। परिया? लिख है मेरे पास। आर्यन? नो मैम। आर्यन नहीं, क्यों नहीं नोट कर रही? जिसके पास बुक नहीं है बुक नो, तो नोट करो। सिद्धेश? यस मैम। नोट कर रहे हो क्वेश्चन? शिवम? पासबुक है। बुक है। अमन पासवान? अमन राइट कर रहे हो बेटा? अमन राइट कर रहे हो? हर्षित? यस मैम। बुक है आपके पास? अमन गुप्ता? मैम बुक है। अच्छा चलिए बेटा, सबके पास बुक है तो काम कीजिए, सभी लोग जल्दी से होमवर्क करके भेजिए, ठीक है? सेशन का समय भी समाप्त हो गया है। गुड बाय दीवान। हमारे पास नहीं है। गुड बाय।